हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभव माय कुकिंग एक्सपीरियंस। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल रायता। रायता बनाएंगे हम जिसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए ये दही कर्ड, ये 500 ग्राम दही है, और ये टमाटर है, टमाटो एक मीडियम साइज का टमाटर है जिसे मैंने सीड्स निकाल कर और फाइनली चॉप कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसके सीड्स निकाल दिए थे। और ये है गाजर कैरेट, इसे ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। और ये है खीरा कुकुम्बर, इसे भी मैंने छील कर और कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। और ये है एक छोटा प्याज जिसे बहुत बारीक काट लिया है, अगर आप प्याज ना खाते हो तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं। और ये है बूंदी जिसे मैं थोड़े से पानी में भिगो दिया है पहले से ही ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए बाजार से जो बूंदी मिलती है वो ऐसी होती है, और इसे हमने यूज करने से पहले थोड़ा सोक कर देंगे। ये बूंदी आप घर पे भी बना सकते हैं। और ये देखिए आधा चम्मच व्हाइट सॉल्ट है, सफेद नमक है ये, और ये आधा चम्मच काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट है, और ये एक चम्मच रोस्टेड क्यूमिन पाउडर है, जीरा है, और ये 1/4 चम्मच जो है काली मिर्च का पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है। अब हम सबसे पहले अपने दही को जो है बीट कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हम दही को जो है बीटर से बीट कर लेंगे। आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो करिए, लेकिन हाथ से बीट किया हो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरीके से हमने इसे बीट कर लिया है, देखिए इस तरीके से ये, इसमें कोई भी लंप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फाइन जो है इसका पेस्ट बनना चाहिए। इस तरीके से आप इसे बीट कर लीजिए। और अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे, ये टमाटर डाल देंगे हम इसमें, और ये गाजर ग्रेटेड कैरेट, और अब हम इसमें खीरा भी डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ ग्रेट किया हुआ खीरा, और ये प्याज अनियन, ये फाइनली चॉप्ड है, बारीक कटा हुआ अनियन है, प्याज है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इन्हें पहले मिक्स कर लेंगे, और पहले ये सॉल्ट डाल देंगे, और ये काला नमक, और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, और ये रोस्टेड क्यूमिन पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें रेड चिल्ली भी डाल सकते हैं, अगर आपको रेड चिल्ली पसंद है तो आप रेड चिल्ली डालिए, और ग्रीन चिल्ली भी आप इसमें काट कर डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं, और अगर आपको ये ठीक लगे तो थोड़ा सा इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पानी जो है ये काफ़ी थिक है, तो हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इस तरीके से। देखिए जितना भी आपको गाढ़ा या पतला रखना है अपनी पसंद के हिसाब से उतना ही रखिए। और ये जो बूंदी हमने भिगोई थी, थोड़े से पानी में भिगोई थी, वो पानी लगभग इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, वो हम पानी के साथ ही बूंदी इसमें डाल देंगे, उसे निकालने की जरूरत नहीं है, उसके साथ ही हमने ये मिक्स कर लिया। बूंदी हम बाद में डालेंगे वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद, क्योंकि वेजिटेबल्स जब हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो बूंदी टूट सकती है, इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। ये देखिए ये हमने हरा धनिया है, ग्रीन कोरिएंडर बारीक कटा हुआ, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसे आराम से मिक्स करना है ताकि जो बूंदी हमारी टूटे नहीं। ये देखिए हमारा रायता अब बनकर तैयार है। ये बहुत ही सुपर टेस्टी रायता होता है, इसे आप किसी भी वक्त सर्व कर सकते हैं, किसी भी मील के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आप इसे खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, थम्स अप करें, इसे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर के अपलोड की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम जल्दी ही फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ।